चौथे दिन भी दीपक की तलाश लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम जो है डमी एक पुतला जो जिस नाले में दीपक गिरा था उसमें डाल के दीपक को तलाशने की नए सिरे से कोशिश की जा रही है। पूरा सिचुएशन जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया है कि दीपक जिस दिन शनिवार को गिरा था तो वो उस समय नाले में गिरने के बाद वो नाले के कौन से हिस्से में गया होगा, इसके लिए पूरा रिकंस्ट्रक्ट करके डमी डाल के सारा जो शनिवार को जो दीपक के साथ घटना घटी उसका हाल बना के देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है दीपक का, क्योंकि ये सड़क के नीचे नालों का एक जाल सा है जिसमें दीपक नाले के कौन से हिस्से में गया है इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग सकी है। चार दिन बीत चुका है लेकिन अब जो कार्रवाई है वो काफी ही तेजी से की जा रही है दीपक को ढूंढने के लिए। और इसी क्रम में जो 1975 के समय इस नाले में जिसमें दीपक डूबा है उस नाले को बनाने के समय जो इंजीनियर थे राजेश्वर प्रसाद वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर 1975 में आपने इस नाले का निर्माण 73 में आपने निर्माण किया था, तो जरा उस नाले के बारे में आप हमें बताएं कि वो नाला जो है किस तरह से कौन कौन से हिस्से में गया है, अगर आप हमें नक्शे के द्वारा बताएं। 1973 में जो नाला बना है वो बुनाई चक मोहनपुर के जो संप है वहाँ से लेकर के और ये राजेश पथ में हुआ, राजेश पथ तक आया है, उसके अंदर वहाँ से ही चिल्ड्रंस पार्क गया है, चिल्ड्रंस पार्क से यह बोरिंग रोड पे गया है, फिर बोरिंग रोड से होकर के बोरिंग रोड चौराहा जा करके मेन कैनाल जो बड़ा वाला सीवर लाइन है उसमें जाकर गया है। तो संभावनाएं क्या लग रही है सर कि दीपक जो है वो कौन से हिस्से में गया होगा, कुछ आपको अंदाजा हो? अभी देखने से जो नाला खोल के ढक्कन वाला देखा गया तो वो ज्यादा से ज्यादा इस नाले में होने के कारण यही जो है चिल्ड्रंस पार्क से पहले के अंदर में ही हो सकता है, उसके आगे नहीं। तो आपको क्या लगता है जो तलाश की जा रही है वो सही दिशा में? सही दिशा में जा रही है। तो आपके हिसाब से कितना वक्त और लग सकता है? तो आपके हिसाब से जो तलाश की जा रही है वो सही दिशा में? अभी तक उसके हिसाब से ठीक। तो ये राजेश्वर जी हैं जो जिन्होंने उस समय 1973 में इस नाले का निर्माण करवाया था, और इनके हिसाब से जैसा इन्होंने अभी नक्शे के द्वारा बताया कि नाले का जो नक्शा है वो किस तरह से नाला जो है कौन कौन से हिस्से में गया हुआ है, बोरिंग रोड तक ये नाला जो है वो गया हुआ है, और इनका कहना है कि जो तलाश की जा रही है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा वो सही दिशा में की जा रही है। लेकिन बहरहाल अब देखना यही है कि चार दिन बीत चुके हैं, दीपक का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है, ऐसे में जो मुहिम चलाई जा रही है दीपक को ढूंढने में वो कितना सही साबित होता है, क्या सफलता मिलती है, और मिलती भी है तो कब मिलती है, क्योंकि इस चीज का हर किसी को इंतजार है, हर कोई इसी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द दीपक जो है वो मिले।